हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाला हूँ एक ही प्रोडक्ट, सिर्फ एक तरीका दोस्तों, जो सारे स्टूडेंट ऐसे यूज करते हैं। जो स्टूडेंट टॉपर होता है ना दोस्तों, जो पढ़ने में तेज होता है, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे होते हैं, जो यूपीएससी क्लियर कर रहे होते हैं, जो बैंक क्लर बैंक पीओ किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो सिर्फ एक ही पैटर्न को अपनाते हैं, वो सिर्फ एक ही तरीके को अपनाते हैं। तो वो तरीके बताने से पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपके जो एग्जाम आने वाले हैं वो 2020 के, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। आपको सबसे पहले करने के लिए दोस्तों, ये टिप्स अपनाने से पहले आपको करना ये है कि आपके अंदर ना एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए वो हासिल करने के लिए। आपको दोस्तों स्टडी इसलिए नहीं करनी कि आपको स्टडी करनी पड़ रही है, एग्जाम आ रहा है आपको इसलिए स्टडी करनी है। आपको स्टडी इसलिए करनी है दोस्तों, वो एक जरिया है, वो एक रास्ता है सक्सेसफुल जाने के लिए। आपके पास जो पहली स्टडी है दोस्तों यही है, तो आपको पहली स्टडी क्लियर करनी है, और क्लियर करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। रोज जब कोई स्टूडेंट उठता है ना टॉपर, उसके पास एक लक्ष्य होता है। कोई सक्सेसफुल पीपल जब सुबह उठते हैं ना, उसके पास लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के दोस्तों आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए, तब जाके दोस्तों आपके पास जो जज्बा होगा ना, जो भूख होगी पढ़ने की, आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जो सपने होंगे, उसको दोस्तों हासिल करने के लिए आपके अंदर सबसे पहले जज्बा होना चाहिए। आपको रोज स्टडी करनी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने ही बचे हैं। इन 2 से 3 महीने में दोस्तों आपने स्टडी कर ली, वो समझ लो आपने अच्छे मार्क्स ला दोगे। तो अब बात करता हूँ प्रो टिप्स की दोस्तों। सबसे पहले ये है कि जो यूपीएससी स्टूडेंट होता है ना, आपने सुना होगा आईएएस जो भी एक लड़का बनाता है सैफिन हसन, यंगेस्ट आईएफएस, उसने ही दोस्तों सारे स्टूडेंट जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो सब दोस्तों करते हैं इस तरीके से, प्रैक्टिस करते हैं कि वो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के करते हैं। तो आपको भी दोस्तों सब करना ये है कि आपको पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसको दोस्तों उठाओ, उससे प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने से अच्छा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में क्या दोस्तों, पिछले हर साल में जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, वो इन्हीं सब पिछले क्वेश्चन पेपर से डिसाइड होकर आता है कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, उसी पैटर्न से आता है। क्वेश्चन कोई किताब से बाहर नहीं आएगा, किताब से आएगा। आप किताब पर अगर आपने बुक से स्टडी कर ली है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो पिछले 5 साल के 6 साल के 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उससे प्रैक्टिस करो। क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी हर स्टूडेंट करते हैं ना, जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, सबका कहना यही होता है। इनफैक्ट दोस्तों मैं खुद ही एमकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जब कोई एमकॉम का स्टूडेंट होता है वो कोई बेवकूफ थोड़ी ना है। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि जो आप 12th क्लास में सीबीएसई अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आप पिछले साल के 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उससे प्रैक्टिस करो। लेकिन उससे प्रैक्टिस करने से पहले आपको रोज स्टडी करनी है, आपके अंदर हैबिट करनी है। कहने का मतलब ये नहीं कि आपको 6 आवर 8 आवर करो। अगर आप वीक स्टूडेंट हो, तो आप 1 आवर 2 आवर के रोज स्टडी करो। और सर्दी का टाइम चल रहा है, तो आपको मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आप सिर्फ लेट के स्टडी कभी मत करना। आपके अंदर दिमाग में एक माइंड सेट होना है कि मुझे पढ़ना है, आपको मोटिवेट होना है, तब जाके दोस्तों आप पूरा दिन अच्छे से स्टडी कर पाओगे। आप चेयर पर बैठ के स्टडी करो, आइसोलेटेड जगह लो, शांत जगह पर स्टडी करो। कुल मिला के आपका माइंडसेट आपको बोलना चाहिए कि भाई मुझे स्टडी करनी है। तो सोशल मीडिया वगैरह डिस्ट्रैक्शन से, टीवी वगैरह से थोड़ा दूर रहो, यूट्यूब का सहारा लो, ऑनलाइन स्टडी करो। यूट्यूब पे जाओ, जो सिलेबस नहीं आता है, जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, उस पर जाके सर्च करो यूट्यूब पे, और वीडियो देखो। बिंदास आपके एग्जाम होने हैं। एग्जाम का मतलब ये नहीं कि आपको टेंशन लेनी है, यार एग्जाम की टेंशन है, ये चीज बिल्कुल नहीं सोचनी। आप एग्जाम बिंदास होगे दोस्त, सोचो यार पहली सीढ़ी है, इसको पार करनी है। तो बस वीडियो इतनी सी थी, वीडियो छोटी है मानता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत कमाल की है। जय हिंद, वंदे मातरम।